हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास फिफ्थ की हिंदी व्याकरण का पार्ट 3, जिसका नाम है शब्द संरचना। तो चलो पढ़ें कि शब्दों की रचना कैसे की जाती है। देखो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, एक लड़के का ढोलक का और एक लड़का जो ढोलक बजा रहा है। तो लड़के का चित्र दिया गया है तो लिखा है लड़का। तो लड़का कैसे बना? ल अ ड अ क आ, क्या बन गया? लड़का। आगे है ढोलक, ढ ओ ल अ क अ, ढोलक। आगे दिया गया है बजाना, ब अ ज आ न आ, क्या बन गया? बजाना। उसके आगे दिया गया है वर्णों को मिलाकर ये शब्द बने हैं, यानी कि वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और शब्दों के अलग अलग वर्णों को ही उसकी वर्तनी कहते हैं। यहाँ आगे शब्द की परिभाषा दी गई है, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि वर्णों के जो सही मेल होगा तो ही वह शब्द कहलाएगा। आगे देखो उपसर्ग, कुछ शब्दांश शब्दों के आगे पीछे जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, यानी कि जो शब्द मूल शब्द के आगे लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। और शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द मूल शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। वर्णों को सार्थक क्रम में रखने से शब्द बनते हैं। इन शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो रंगीन शब्द दिए गए हैं, जैसे उप, सु, बे, सम, ये सारे क्या है? उपसर्ग। और जो बाकी के दिए गए हैं, बन, कन्या, तार, मान, ये है मूल शब्द। जब ये रंगीन शब्द यानी कि जो उपसर्ग है मूल शब्द के साथ जुड़ेंगे तो एक नए शब्द बनेंगे। जैसे उप जमा वन बन गया उपवन, सु जमा कन्या बन गया सुकन्या, बे जमा तार बेतार, सम जमा मान बन गया सम्मान। आपने देखा कि वन शब्द से पहले उप शब्दांश जोड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। वन का अर्थ है जंगल और उपवन का अर्थ है बगीचा। उप शब्दांश उपसर्ग है, उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। आगे बढ़ेंगे, उपसर्ग के कुछ उदाहरण यहाँ पे हमें दिए गए हैं। जैसे अ जमा स्वच्छ, क्या बन गया? अस्वच्छ। अन जमा पढ़, अनपढ़। दुर जमा गुण, दुर्गुण। सु जमा पुत्र, सुपुत्र। प्रति जमा दिन, प्रतिदिन। कम जमा जोर, कमजोर। आगे पढ़ेंगे प्रत्यय, इसी प्रकार कुछ शब्दांश मूल शब्द के पीछे लगते हैं जिससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता आती है। जैसे पहले देखो हमने ऊपर पढ़ा कि मूल शब्द से जो पहले शब्दांश लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब मूल शब्द पहले आएगा और शब्दांश जो बाद में आएंगे तो ये क्या हो गए? प्रत्यय। यहाँ पे देखो प्रत्यय कौन से हैं? हीन, ता, बासी और दार, ये हैं प्रत्यय। ये मूल शब्द के पीछे लगते हैं यानी कि बाद में लगते हैं। जैसे भार, भार क्या हो गया? मूल शब्द। और ये जो हीन लगा है ये हो गया प्रत्यय। भार जमा हीन, भार हीन। सफल जमा ता, क्या बन गया? सफलता। भारत जमा वासी, भारतवासी। समझ जमा तार, समझदार। भार शब्द का अर्थ है वजन, लेकिन हीन लगने से भारहीन हो गया, जिसका अर्थ है जिसमें वजन या भार ना हो। हीन शब्दांश पढ़ते हैं, जो हीन है वो क्या है? शब्दांश पढ़ते हैं जो मूल शब्द के अंत में लगता है और फिर उसका अर्थ बदल जाता है।
आगे प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं, पहाड़ जमा ई बन गया पहाड़ी, धन जमा वान बन गया धनवान, भारत जमा ईय भारतीय, एक जमाता एकता, अपना जमापन अपनापन, चित्र जमाकार चित्रकार। शब्द के प्रकार दिए गए हैं। अब शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? शब्दों को मुख्य रूप से तीन आधारों पर बांटा जाता है। जैसे शब्द के प्रकार कितने प्रकार हैं? शब्द के तीन प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? शब्द चार प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। सबसे पहले क, तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के शब्द जब यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाएं जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं और जब वो वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे सत्य, रात्रि, दिवस, चंद्र, पत्र आदि। आगे देखो ण, श, कुश और ज्ञ वर्ण जिन शब्दों में आते हैं वे भी प्रायः प्रतत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए तत्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, आँख, चांद, दही, दूध, नींद, पत्ता आदि। संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ, जो संस्कृत के शब्द हैं जब ये परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दिए गए हैं आग, आँख, चांद, दही, दूध, नींद, पत्ता आदि। आगे है ग, देशज शब्द। आम बोलचाल की भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो भाषा हम आम तौर पर बोलते हैं और उनमें जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे थैला, जूता, खिड़की, पैसा, रोटी, गद्दा, कूड़ा आदि। ये हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं तो इन्हें देशज शब्द कहते हैं। आगे है ग, आगत शब्द यानी कि विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से आए शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं। आगत शब्द हो गए कि विदेशी दूसरी भाषाओं के शब्द जब हिंदी भाषा में वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाएं तो उन्हें आगत शब्द कहते हैं। जैसे पेन, दवा, दोस्त, गैस, इंजन, स्टेशन, रेडियो, सब्जी आदि। आगे है रचना के आधार पर, ये दूसरा है। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। सबसे पहले पढ़ेंगे क, रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। कौन से शब्द? जिन्हें हम टुकड़ों में नहीं कर सकते रूढ़ शब्द वो कहलाते हैं। जैसे घर, घ और र। घ और र वर्ण को अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम घ और र इस शब्द को अगर हम वर्ण को हम अलग अलग कर देंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। और कौन कौन से शब्द हैं वे? दिन, रात, कवि, हाथी, रेल, पानी आदि। अगर हम इन शब्दों के अलग अलग कर दें तो इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा तो ये होंगे रूढ़ शब्द। आगे है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं।
दो या दो से अधिक शब्दों के योग से यानी कि मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें योगिक शब्द कहते हैं। जैसे स्नान घर, स्नान जमा घर, तो क्या बन गया स्नान घर। रेल जमा गाड़ी, रेलगाड़ी। रसोई घर, पाठशाला, व्यायामशाला, बागवान, चिड़ियाघर, नीलकमल। तो ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं तो ये क्या कहलाएंगे योगिक शब्द। योग हो गया कि इनके दो शब्दों के मेल से बने हैं तो ये क्या कहलाएंगे योगिक शब्द। आगे है योग रूढ़ शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने जो शब्द अपना एक विशेष अर्थ देते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने जो शब्द यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने जो शब्द अपना विशेष अर्थ भी देते हैं उन्हें क्या कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे नीला जमा कंठ, तो क्या बन गया नीलकंठ। तो क्या है नीलकंठ का अर्थ, शिव और एक पक्षी भी। दश जमा आनन, तो क्या बन गया दशानन यानि कि रावण। तो एक अपना विशेष अर्थ दे रहे हैं तो इससे क्या कहेंगे योग रूढ़ शब्द। इसी प्रकार हिमालय, जलज, मुरलीधर, पीताम्बर, लंबोदर आदि, ये सारे योग रूढ़ शब्द हैं। आगे चलिए प्रयोग के आधार पर, ये तीसरा आधार है। किसका आधार है तीसरा, शब्दों के प्रकार कौन कौन से हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब हम तीसरा पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के, एक हो गया विकारी शब्द और दूसरा हो गया अविकारी शब्द। पहले पढ़ेंगे विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आगे आ गया ख, अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आगे देखिए हमने जाना, तो ये जो जितना भी हमने पीछे पढ़ा है उसमें बताया गया कि हमने क्या पढ़ा, क्या समझा और क्या जाना। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के भेद तीन आधारों पर किए जाते हैं, अभी जो हमने पढ़ा उत्पत्ति रचना, उत्पत्ति रचना और प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति रचना और प्रयोग के आधार पर। आगे है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर दो वर्गों में जैसे विकारी और अविकारी। आगे ण, श, श और ज्ञ, वर्ण जिन शब्दों में आते हैं वे प्रायः तत्सम शब्द होते हैं, जैसे कक्षा, किरण आदि। आगे आओ जांचें, ये आगे इसकी एक्सरसाइज, उपसर्ग लगाकर शब्द बनाओ। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे सुकन्या लिखा गया है, जैसे सु एक गोला बनाया गया यहाँ पे, यहाँ पे उपसर्ग दिया गया है सु और उसके आगे लिखा गया है सामने कन्या, तो उदाहरण दिया गया है सुकन्या, ये हमें बताया गया है, बाकी के खुद करने हैं। सुकन्या तो क्या बन गया सुकन्या, सु पुत्र तो क्या बन जाएगा सुपुत्र, सामने वाली ब्लैंक्स में लिखना है सुपुत्र, उसके नीचे दिया गया है गोले में अन, ये है उपसर्ग, अन के आगे हमने एक मूल शब्द लगाना है, फिर उस सामने हमने लिखना है नया शब्द क्या बना अन, और अन के सामने ऊपर लिखना है जान, तो क्या बन जाएगा अनजान। अब नीचे वाली ब्लैंक्स में लिखना है देखा,
अनदेखा, तो क्या बन जाएगा नया शब्द? अनदेखा। उसके सामने लिखा है गोले में वी, वी उपसर्ग दिया गया है, यहाँ पे हमने दो शब्द और बनाने हैं। वी के सामने ऊपर लिखना है ऊपर वाली ब्लैंक्स में चित्र, और सामने सामने वाली ब्लैंक्स में आएगा विचित्र। उसके नीचे वाली ब्लैंक्स में लिखना है हार, तो क्या बन जाएगा? विहार। क्या बन जाएगा नया शब्द? विहार। आगे नीचे दिया गया है उपसर्ग प्र, तो क्या लिखना है हमने? बल, तो सामने वाली ब्लैंक्स में लिखना है प्रबल, ये बन गया नया शब्द। उसके आगे नीचे लिखना है योग, क्या लिखना है? योग, तो क्या बन जाएगा? प्रयोग। फिर से बताती हूँ, पुत्र, तो क्या बन जाएगा? सुपुत्र। अन क्या, कौन कौन से बन जाए? अन के सामने लिखना है जान, तो क्या बन जाएगा? सामने वाली ब्लैंक्स में लिखना है अनजान, और नीचे देखा, तो क्या लिखना है? अनदेखा। वी, वी उपसर्ग के सामने लिखना है चित्र, तो नया शब्द बन जाएगा विचित्र। नीचे लिखना है हार, तो नया शब्द बन जाएगा विहार। प्र उपसर्ग के सामने लिखो बल, तो बन जाएगा प्रबल, और नीचे में लिखना है योग, तो नया शब्द बन जाएगा प्रयोग। आगे चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, उन्होंने सारा कुछ मिक्स लिखा है, हमने छांट कर लिखने हैं तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द। तो तत्सम शब्द में कौन कौन से आएंगे? सूर्य, रात्रि, अग्नि। तद्भव में आएंगे सूरज, रात, आग। देशज में आएंगे गाड़ी, थैला, पेट। और आगत में आएंगे साइकिल, डॉक्टर, टिकट। फिर से बताती हूँ, तत्सम में आएंगे सूर्य, रात्रि, अग्नि। तद्भव में आएंगे सूरज, रात, आग। देशज में आएंगे गाड़ी, थैला, पेट। और आगत में आएंगे साइकिल, डॉक्टर, टिकट। आगे चलिए, दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखो। यहाँ पे तत्सम शब्द दिए गए हैं और नीचे एरो दिया गया है, यहाँ पे हमने इसका तद्भव रूप लिखना है। तो यहाँ पे ब्लैक्स में इसका तद्भव रूप लिखना है सर्प। सर्प क्या होता है? सांप। और पत्र, पत्र होता है खत। ये इसका तत्भव रूप है। ये तत्सम दिए गए हैं और ये जो नीचे ब्लैक्स में लिखने हैं इसका तत्भव है। सर्प होता है सांप, पत्र, खत, मयूर, मोर, कर्ण, कर्ण होता है बाली, घृत, घृत हो गया घी, अश्रु, आंसू। आगे चलिए, निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पे दिया गया है प्रत्यय जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं, तो ईय और ता दिया गया है, हमने बनाने हैं इसके नए शब्द। जैसे पठन, पठन में लिखना है पठन दिया है, तो ईय दिया है, तो क्या बन गया? प पाठनीय। पठन के साथ ईय जुड़ा, तो क्या बन गया आगे? पाठनीय। ये एक उदाहरण दिया है, हमने सबसे ऊपर वाली ब्लैक्स में लिखना है पाठनीय। आगे पठन के नीचे लिखना है भारत, और ये सामने दिया है, तो सामने क्या आ जाएगा? भारतीय। आगे ता, ता प्रत्यय दिया है, तो इधर सामने तीसरी वाली ब्लैंक्स में आएगा स्वच्छ, तो ता जोड़ा, तो क्या बन गया? स्वच्छता। अब लास्ट में लिखना है सुंदर, सुंदर के साथ ता जुड़ा, तो क्या बन गया? सुंदरता। फिर से देखिए, पठन के नीचे लिखना है भारत, भारत के नीचे स्वच्छ, स्वच्छ के नीचे सुंदर, तो भारत ईय क्या बन गया? भारतीय। स्वच्छता क्या बन गया? स्वच्छता। सुंदरता बन गया सुंदरता। आगे है, दिए गए शब्दों को सही भेद के सामने लिखना है। बॉक्स में शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे इनको छांट कर ब्लैक्स में लिखना है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से हैं? छांट कर लिखना है। रूढ़ शब्द कौन से हैं? रूढ़ है दूध और पानी।
यौगिक शब्द कौन से हैं? चिड़ियाघर और पाठशाला, योगरुण, दशानन और जलज। बताया था मैंने पहले आपको, रूढ़ शब्द वो होते हैं जब हम इनको अलग अलग कर दें इनके वर्णों को तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे चिड़िया घर, तो ये है यौगिक शब्द। चिड़िया और घर ये दो शब्दों के मेल से बने हैं, योग से बने हैं। और योग रूढ़ शब्द जिनका एक विशेष अर्थ भी निकलता है, जैसे दशानन, दशानन हो गया रावण, तो ये हो गए योगरुड़ शब्द। युरुड़ में आएंगे दूध और पानी, योगिक में आएंगे चिड़ियाघर और पाठशाला, योगरुड़ में आएंगे दशानन और चलज। आगे चलिए, आओ खेलें। उपसर्ग तथा प्रत्यय के चक्र समझकर नए शब्द बनाओ। यहाँ पे चक्र दिया गया है, बीच में दिया गया है उपसर्ग, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, पहली वाली ब्लैक्स में सु और सबसे ऊपर देखो लिखा गया है कन्या, सूप सर्ग दिया गया है, फिर लिखा है कन्या, पुत्र, कर्म, यश, गंध, विचार, तो सु सबके साथ आगे आएगा और एक नया शब्द बनेगा और इस ब्लैक्स में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे सुकन्या, सुपुत्र, सुकर्म, सुयश, सुगंध, सुविचार। उसके सामने दिया गया है अन, अनुपसर्ग दिया गया है और साइड में दिए गए हैं मूल शब्द, देखा, जान, पढ़, चाहा, मना, सुनी, तो अन सबके आगे लगेगा और एक नया शब्द बनेगा, जैसे अनदेखा, अनजान, अनपढ़, अनचाहा, अनमना, अनसुनी। आगे नीचे आ जाओ, ता, ता क्या है, प्रत्यय है, ये जो साइड में शब्द दिए हैं ये मूल शब्द है और ता है प्रत्यय, ता सबके अंत में लगेगा और एक नया शब्द बनेगा, जैसे बैठ, एक, सफल, दास, लिख, चढ़, इन सब के अंत में लगेगा, जैसे बैठता, एकता, सफलता, दासता, लिखता, चढ़ता, ये सबके अंत में लगेगा ता और एक नया शब्द बनेगा। आगे है ई, ई भी प्रत्यय है, ये भी सबके अंत में लगेगी और नया शब्द बनेगा, जैसे भूरा, पड़ा, पहाड़, चीन, गुजरात, अच्छा, मीठा, तो क्या बन जाएगा, सबसे ऊपर यहाँ से स्टार्ट करते हैं भूरा से, बुराई, पहाड़ी, चीनी, गुजराती, अच्छाई, मिठाई, तो ये बन गए नए शब्द, ये प्रत्यय हैं, ये शब्द मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो ये था हमारा क्लास 5th का लेसन नंबर 3। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 4 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है संज्ञा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।